दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में हम बात करें, उससे पहले हम आपको बताते हैं हमारा ये चार्ट पहले का। हमने आपको पहले भी बताए थे कि किस प्रकार से यहाँ पे अपने को बाइंग का प्रेशर मिलेगा, कैसे अपने को सेलिंग यहाँ पे करनी है, वो सारी अपने यहाँ पे शेयर की हुई है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अभी मैं ये लेवल सारे सारे अपने कैंसिल कर लेता हूँ, 1 मिनट। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये लेवल सारे बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। आज से लगभग 6 मंथ पहले हमने यहाँ पे ये चार्ट बनाया था। उस टाइम हमने आपको दिखाया था कि ये अगर इस लाइन को ब्रेकआउट कर पाता है 44,800 को, तो अपन इसको लगभग 52,000 और 50,000 के बीच में अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो दोस्तों बड़ी कैंडल है, उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो ये डब्लू पैटर्न बन रहा था वो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, जिस प्रकार से इथेरियम में हुआ था। अपन इथेरियम का दिखा देते हैं, आप देख सकते हो। अभी ETH का दिखाते हैं, इथेरियम US डॉलर में। यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न है, आप देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए, हमने पहले पे यहाँ पे बनाया हुआ है चार्ट, जो उस टाइम हमने बनाया था वो उस टाइम का ही ये लेवल का चार्ट है। अगर ये यहाँ से 247, ठीक है, 2047 यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये लगभग अपने को $3,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे यही कैंडल बन रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे उसमें बना हुआ था कैंडल। अपन ने किस में देखा था? बिटकॉइन में। सेम बिटकॉइन के ऊपर ही ये चार्ट चलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो अपन इसको लगभग $3,200 के आसपास देख सकते हैं। ये एक इनका रेजिडेंस एरिया है। यहाँ पे अगर उसी प्रकार से अपन ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखें तो ये लगभग $2,119 के आसपास ये डाउन आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक और कॉइन है, जो है अपना WRX। बाइनेंस का अपन देख लेते हैं, इसी में भी हमने आपको यहां पे बताया हुआ है चार्ट दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। अभी ये जिस रेंज में, फोमो के रेंज में घूम रहा था, यानी यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकआउट के अंदर यहाँ पे कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ से जब ये डाउन पड़ा तो यहाँ पे कैंडल बना 1 और 2 और 3, ये चौथा कैंडल है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया एंड यहाँ से इस रेंज को रीटेस्ट कर रहा है। अगर इस रेंज से ये ब्रेकआउट हो पाता है तो अपन लगभग इसको देख सकते हैं लगभग इथेरियम में 0.80%, सॉरी, ये इथेरियम का निकल गया, 1 मिनट। अभी सेम स्केल अपना क्या है, वही उसका ही खुला है,
जिसका मतलब अपन WRS की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखे तो यहाँ से ये अपने को कितना परसेंट रिटर्न दिया है, यानी 11% रिटर्न दिया है इसने, यानी 1100 यहाँ पे दिखा रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो लगभग यहाँ पे 4231% ये अपने को पंप देता है। लेकिन यहाँ पे अपने को इस लाइन से ट्रेंड डाउन से अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो अपन यहाँ पे अच्छा खासा इसको बुलिश में देख सकते हैं, इस रेंज को ये कवर कर सकता है। एंड WRX यहाँ से जब पंप होगा तो इस रेंज में भी अपने को देखने को मिल सकता है, जो है लगभग 0. यहाँ पे 20 सेंट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर अपन पंप की तरफ देखें तो लगभग यहाँ से 300% का दिख रहा है, यानी 30%। 30% अगर यहाँ पे अपन पंप देखें तो अपने को यहाँ पे भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ये बिटकॉइन की रेंज में चल रहा है, उस प्रकार से हमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा ये रिजल्ट भी इसमें दिखा सकता है। ठीक है, आई होप आपको न्यूज अच्छी लगी होगी। WRX का अपन सही तरीके से आपको स्केल में दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो।